भारतीय जनता युवा मोर्चा कैंप मंडल के अध्यक्ष शुभम सिंह ने 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन नगर निगम जोन 3 की आयुक्त येशा लहरे को सौंपा है। जोन आयुक्त ने मांगों पर उच्चाधिकारियों से चर्चा कर समाधान को लेकर आश्वस्त किया है। कैंप क्षेत्र स्थित बैकुंठ धाम वाटिका के संधारण मदर टेरेसा नगर में सीसी रोड निर्माण, सड़क किनारे कचरा फेंकने से रोकने, पेयजल समस्या के निराकरण, बैकुंठ धाम क्रिकेट मैदान के चारों ओर स्टील रेलिंग लगाने आदि जैसी 7 सूत्री मांगों के निराकरण को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा कैंप मंडल के अध्यक्ष शुभम सिंह ने पदाधिकारियों के साथ जोन 3 की आयुक्त येशा लहरे को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जोन आयुक्त को समस्याओं से अवगत कराते हुए उसके निराकरण की मांग की गई है। समस्याओं से होने वाली परेशानियों से भी जोन आयुक्त को अवगत कराया गया है। ज्ञापन को लेकर मंडल अध्यक्ष शुभम सिंह ने जानकारी दी। शुभम सिंह मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा युवा मोर्चा कैंप का। हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री राकेश पांडे जी के निर्देशानुसार और समाज सेविका आदरणीय चारुलता पांडे जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने लगातार कैंप की हो रही अनदेखी को देखते हुए आज जोन कमिश्नर को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जल्द से जल्द हमारी 7 मांगों पर कार्रवाई करें। 7 मांगों पर जो भी हो सकता है वो जल्द से जल्द करें। किस तरह की मांगे, क्या मांगे? लगभग कैंप के वार्डों से संबंधित मांगे हैं, जैसे कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है हमारी, एक सड़क की है जो इस साल बजट में भी वो सड़क पारित हुई है। पिछले साल बजट में भी वो सड़क पारित हुई थी लेकिन बन नहीं पाई थी किसी कारणवश, और इस साल भी वो सड़क पारित हुई है, वो सबसे एक महत्वपूर्ण मांग है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण मांग है कि कैंप में एक 7 बिस्तर अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उसके पीछे 10 बिस्तर अस्पताल, उसके पीछे में पूरे 5-7 वार्डों का कचरा डंप किया जा रहा है। जो भी जानवर किसी कारणवश ख़त्म हो जा रहे हैं गर्मी से या कुछ भी, उनके बॉडी को ला के वहीं पर डंप कर दिया जाता है कचड़े में। लगभग वहाँ पे अस्पताल है, वहाँ पे पूरी कॉलोनी है, वहाँ के बदबू से वहाँ के रहवासियों को काफ़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। ऐसी कुछ और 5 मांगे हैं, जैसे बैकुंठ धाम में क्रिकेट ग्राउंड के लिए हमने मांग की है, जो एक ग्राउंड है वहाँ का संधारण किया जाए, वहाँ पे स्टील रेलिंग लगाई जाए, ये सब मांगे हैं हमारी। बहरहाल भाजयुमो ने 7 सूत्री मांगों के शीघ्र निराकरण को लेकर जोन आयुक्त से आग्रह किया है। निराकरण नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।